टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सोर्सेस कौन कौन से ऐसे होते हैं जिसकी बुनियाद पर आइडियोलॉजी वजूद में आती है। हमारे पास इंपॉर्टेंस में हमने ये देखना है कि आइडियोलॉजी किसी भी नेशन की डेवलपमेंट में या किसी भी स्टेट या एक रिपब्लिक के वजूद में आने के बाद आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा जरूरी क्यों होती है। और सबसे बड़ी बात कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में आइडियोलॉजी की वैल्यू क्या है, हमने आज इसको ऑब्जर्व करना है और हमने ये देखना है कि इसके इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का बेसिक एजेंडा क्या है। पहली बात इस बात को ध्यान में रख लें कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुमलिकत है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और ऑन द बेस ऑफ आइडियोलॉजी ये वजूद में आई है। हमने अपनी टू नेशन जो थ्योरी है जिसकी बुनियाद पर हमने ये कहा कि मुसलमान हिंदुओं से ऑन द बेस ऑफ द कल्चर, ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ द ट्रेडिशन, ऑन द बेस ऑफ द थिंकिंग ये डिफरेंट है और इसकी बुनियाद पर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हत्ता के 1000 साल तक एक साथ रहने के बावजूद ये दोनों जो कौमें हैं एक दूसरे के साथ इकट्ठी नहीं रह सकी। लिहाजा अब ये जरूरत है कि जिन एरियाज के अंदर मुस्लिम जो मेजोरिटी में हैं उनको मिलाकर एक अलग जो है वो स्टेट, एक अलग जो कंट्री है उसको बना दिया जाए और उन्हीं की बुनियाद पर एक नया इस्लामिक जो स्टेट है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर वजूद में आएगा। इसी बात को 1867 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने डिस्कस किया, इसी बात को 1930 के अंदर अपने इलाहाबाद एड्रेस के अंदर अलामा इकबाल ने डिस्कस किया, इसी बात को एके फजलुल हक ने 1940 के अंदर पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन था उसके अंदर पेश किया, इसी बात को कायदे आजम ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर यही बात डिस्कस की और जितने भी दीगर पॉलिटिकल जो लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए अपने खिदमात को पेश किया और बहुत सारी एफर्ट्स की मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सबकी स्टेटमेंट एट दैट टाइम यही थी कि एक अलग खिता वजूद में आना चाहिए। सो हमारे पास आज उस नजरिए की अहमियत के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है और जिससे ये वाजे हो जाएगा कि आइडियोलॉजी किसी भी कंट्री की हो वो इतनी ज्यादा अहमियत की हामिल क्यों होती है। देखिए उसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास है कि आइडियोलॉजी का जो बेसिक एजेंडा है वो हमेशा थॉट्स की रिफ्लेक्शन के जरिए से है। किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो आइडियोलॉजी है वो उसके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आइडियोलॉजी अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो सिटीजन हैं, उनके थॉट्स अच्छे हैं। अगर आइडियोलॉजी फंडामेंटल है तो समझ लीजिए कि वहां के जो जो लोग हैं, वहां की जो कम्युनिटी है, वहां के जो रूलिंग पीपल है, उनके जो थॉट्स हैं वो इतने ज्यादा डेवलप नहीं है बल्कि बेसिक लेवल के ऊपर है। तो हम कहीं पर भी आइडियोलॉजी की रिफ्लेक्शन जो है उससे वहां की कल्चर, वहां की सिविलाइजेशन, वहां का लिविंग स्टाइल और वहां के लोगों के थॉट्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाता है उसमें। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, जिसको उर्दू में हमने लिखा है हुकूक और फराइज की वजाहत है हमारे पास कि किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर या किसी मुमलिकत के अंदर आइडियोलॉजी की बुनियाद पर राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पता चल जाता है। अगर आइडियोलॉजी फॉर्मुलेट हो गई है तो आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लोगों को यह पता चलेगा कि उनके राइट्स कौन कौन से हैं जिनको उन्होंने अटेन करना है और दूसरी चीज उन्हें यह पता चलेगा कि इसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक अच्छे शहरी की हैसियत से उनका किरदार क्या है और उन्होंने कौन कौन सा ऐसा रोल प्ले करना है कि जिसकी बुनियाद पर उनकी स्टेट विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफाइन हो जाए या डेवलप्ड हो जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। सो वैल्यू की इंक्रीज होने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल जो रोल प्ले करना है किसी भी स्टेट के अंदर सिटीजन ने, सो वो हमारे पास क्लियर होता है, एक्सप्लेन हो सकता है थ्रू देयर आइडियोलॉजी। मिसाल के तौर पर हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आइडियोलॉजी मुस्लिम्स की अपने कल्चर को सिक्योर करना था और आइडियोलॉजी इस्लाम के ऊपर थी, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जी इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इस्लामी तहजीब और सकाफत के बोलबाला होने के लिए और मुआशरे के अंदर इस्लामी तहजीब और सकाफत को अडॉप्ट करने के लिए जितनी भी एफर्ट्स की गई वो
मुस्लिम्स ने की और उसी बुनियाद पर वो एक नया खिता चाहते थे, मतलब रूल ऑफ रिलीजन, और वो की रिलीजन इस्लाम जो है उसका वो चाहते थे उसमें से। सो हमारे पास ये चीजें तो बड़ी अच्छे तरीके से क्लियर होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि रेवोल्यूशनरी जो स्टेप्स हैं वो कौन से आते हैं। देखिए आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कहीं पर भी इनकलाब पैदा हो सकता है। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर यूनिटी क्रिएट होती है। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर एक यूनिकनेस आती है। आइडियोलॉजी की बुनियाद पर लोग एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद होकर एक सोच के तहत और एक नुक्ता नजर के तहत आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। सो इनकलाबी इकदाम की एग्जाम्पल हमारे पास सब कॉन्टिनेंट की वो तकसीम है कि जिसमें हिंदू एक तरफ हो गए, मुस्लिम्स एक तरफ हो गए। ये आइडियोलॉजी ही थी पाकिस्तान की कि जिसने तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया, एक पॉइंट पर आकर स्टेबल कर दिया, और वहां से वो आगे बढ़े अपने लीडर्स की कयादत के अंदर, और जहां से ऑनवर्ड आगे उन्होंने एक नए मुल्क को हासिल किया। अगला हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, वो है रीजंस बिहाइंड द आइडियोलॉजी। देखिए किसी भी जगह पर आइडियोलॉजी के वजूद में आने की कुछ रीजंस होती है, कुछ वजूहात हमारे पास होती है। कहीं पर वो वजूहात सियासी हो सकती है, कहीं पर वो वजूहात मुआशी हो सकती है, कहीं पर वो वजूहात मुआशरती हो सकती है। सो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हमारे पास जो रीजंस हैं, ये कहीं पर भी आइडियोलॉजी को जन्म देती है। पॉलिटिकल रीजंस भी हमारे पास वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर किसी एक स्टेट के अंदर अगर लोगों को वोट कास्ट करने का अगर राइट नहीं मिल रहा, तो उसके नतीजे के अंदर जो लोग इकट्ठे होंगे और जो आइडियोलॉजी वजूद के अंदर आएगी उसको हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम देंगे। कहीं पर अगर लीगल जो राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे, इस सिचुएशन में जन्म देने वाली जो आइडियोलॉजी है वो भी हमारे पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर आएगी। और अगर कहीं पर मुसलमानों को या किसी भी दूसरी एक सेक्ट को या फिरके को उनकी मर्जी के मुताबिक जो अदा नमाज अदा करने के लिए या इबादत गाहों के अंदर इबादत करने की इजाजत नहीं दी जा रही, और उसकी बदले में वो लोग अगर इकट्ठे होते हैं अपने रिलीजन को और अपने बिलीफ को सिक्योर करने के लिए, तो वो जो आइडियोलॉजी होगी उसके जन्म लेने की बेसिक रीजन उनका रिलीजन और उनका बिलीफ है। इसी तरह से अगर कहीं पर किसी जो खास तौर पर जो फिरका है उसके कल्चर सिक्योर नहीं हो रहा है, तो कल्चर को सिक्योर करने के लिए जो एट दैट टाइम लोग एफर्ट करेंगे उसको, उसके नतीजे के तहत जो जन्म देने वाले जो आइडियोलॉजी होगी हम उसको कल्चरल आइडियोलॉजी का नाम देंगे। सो कहीं पर भी किसी भी आइडियोलॉजी के वजूद में आने के लिए कुछ बेसिक रीजन होती हैं जिनको किसी भी सूरत के अंदर निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। उनमें से एक हमारे पास आपकी जो बुक के अंदर जो मेंशन है वो हमारे पास है अटेनमेंट ऑफ इक्वल राइट्स। हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो राइट्स तो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, और अगर कहीं पर राइट्स को सल्ब किया जा रहा है, राइट्स को नहीं दिया जा रहा है, राइट्स को गसब किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां के लोग आपस में मिलकर जो एफर्ट्स करेंगे वो हमारे पास इक्वल राइट्स के हुसूल के लिए इकट्ठा होना उनको एक नई आइडियोलॉजी की तरफ उनको लेकर आएगा। वहां से नए नजरियात जन्म लेते हैं, नजरियात डेवलप हो जाते हैं वहां से। और उसके बाद हमारे पास अगला जो हमारे पास एक पॉइंट है वो हमारे पास है सकाफत का तहफुज, जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं सिक्योरिटी ऑफ द कल्चर। सो सकाफत का तहफुज में हम एग्जाम्पलीफाई जैसे करते हैं कि इंडिया के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमारे पास मौजूद थी कि जिनके अंदर सकाफत का तहफुज नहीं था। मुसलमानों की अपनी जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होती चली जा रही थी, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुस्लिम्स की अपने उनको ये डर महसूस होने लगा कि आने वाले वक्त के अंदर माइट बी पॉसिबल कि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो इंडियन जो कल्चर है वो इंपीरियलिज्म के दायरे का अंदर कराता जा रहा है, मुस्लिम्स को जबरदस्ती जो है वो गाँव माता जो है उसकी इबादत पर उसको जो है वो मजबूर किया जा रहा है, और इसके अलावा जितनी उनकी जो रसूमात हैं उनकी रसूमात को पर अमल करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मसाइल बहुत सारे जन्म ले सकते थे। उन मसाइल के खात्मे के लिए एट दैट टाइम जो एफर्ट्स की गई थी उसके नतीजे के अंदर जो आइडियोलॉजी वजूद में आई थी वो आइडियोलॉजी हमारे पास एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी। और अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो बहुत सारी अकवाम हमारे पास ऐसी आती हैं कि जिनके एक नई स्टेट या एक नई मुमलिकत के वजूद में आने की जो बेसिक जो रीजन थी वो उनकी आइडियोलॉजी थी।
और आइडियोलॉजी का आगाज कहीं ना कहीं से जरूर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स बढ़ते चले जाते हैं और वो आइडियोलॉजी मजीद रीशेप होती चली जाती है, रीफाइनलाइज होती जाती है और बिलाखिर एक ऐसा समंदर निकल आता है अवाम का कि जो के अपने उस मकसद के हुसूल के अंदर कामयाब हो जाते हैं। हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं तारीखी एतबार से, तो हमें ये बात बड़े वाज़े अंदाज के अंदर ये नजर आती है कि 1867 के अंदर सर सैयद अहमद खान ने पहली बार डोनेशन के लिए कॉन्सेप्ट दिया, जो बाद में रीशेप हुआ और जिसके नतीजे के अंदर 1947 में पाकिस्तान मार्जबूत के अंदर आया। तो ये आइडियोलॉजी है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी बुनियाद पर कौमों की बका है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है, अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।